श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्राद्ध पक्ष में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा ग्राम कांटा कुकरेल धमतरी छत्तीसगढ़ में श्राद्ध स्पेशल शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है और आज चौथे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। ये 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 20 से 24 सितंबर तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक चलने वाली है। ये कथा आप आस्था चैनल YouTube के माध्यम से देख सकते हैं। आज की कथा में बहुत सारी रोचक जानकारियाँ गुरुजी ने दिए हैं, साथ ही एक पितृपक्ष के दौरान किए जाने वाले उपाय भी बताए हैं धन प्राप्ति के लिए, जो कि आप किसी भी दिन कर सकते हैं। घर के कोई एक सदस्य करेंगे पूरे परिवार को फल प्राप्त होगा। ये उपाय आपको इसी वीडियो के अंत तक बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन प्रेस करना ना भूलना, ताकि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आप लोगों ने आज की कथा किसी कारणवश नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान शंकर को पाने के लिए सबसे मूल है हमारा भरोसा, भगवान शिव को पाने के लिए सबसे मूल है हमारा विश्वास। विश्वास है तो हम एक ना एक दिन महादेव को जरूर पा ही लेते हैं। तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की। और कोई कहता है कि शंकर जी की आराधना सोमवार को होती है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी बोले, ऐसा नहीं है, शंकर जी के लिए हर दिन सोमवार है। शिव जी की पूजा के लिए कोई दिन कोई समय नहीं देखा जाता है, क्योंकि आज शरीर है कल नहीं है। तो क्या करेंगे, आज शरीर चल रहा है कल नहीं चलेगी, तो आप क्या करेंगे। जब भी आपका मन करे तब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप कर लो। कोई समय कोई दिन नहीं देखना है। दिन से कभी भगवान नहीं मिलते हैं, दिल से भगवान मिलते हैं। तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। एक पत्र आया प्रदीप जी का। उन्होंने कहा, मैं दोनों आँखों से देख नहीं सकता था। मेरे गांव की महिलाओं ने मुझसे रोज मंदिर जाने के लिए कहा। मैं अपने भाई के सहारे और दोस्तों के सहारे हाथ पकड़कर शिवालय जाने लगा और भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाता और आँखों पर लगाता। आज बाबा की कृपा से मेरी दोनों आँखें ठीक हो गई, दोनों आँखों की रोशनी आ गई और आज बाबा को जल चढ़ाने अकेले जाता हूँ और कथा के लिए भी मैं अकेले आया हूँ। इसी का आभार व्यक्त करने मैं कथा पंडाल में आया हूँ। मुझसे एक लोटा जल का क्या वर्णन है कोई पूछे। उस बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी बोले, आपके पास पैसा बहुत है, सामने यमराज खड़ी हैं, क्या पैसे से अपनी मौत को टाल सकते हैं। साथ में बस आपका कर्म ही साथ जाएगा, आगे ऊपर भी आपके कर्म ही काम आएंगे, पैसा काम नहीं आएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। एक पत्र आया राजेश्वरी जी का। उन्होंने कहा, मेरी शादी के चार दिन बाद मेरे पेट में दर्द हुई और मुझे डॉक्टर के पास ले गए। पता चला मेरे बच्चेदानी में 3 गठान है। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना होगा, बच्चा नहीं होगा। ऑपरेशन नहीं करवाई तो मेरी सास बोली मंदिर जा, और मैं रोज़ मंदिर जाने लगी। बाबा पे जल चढ़ाती गई और उसी जल को मैं थोड़ा सा लेती गई और मेरा गर्भ ठहर गया कुछ ही दिनों में। और मेरा 7वां महीना जब चल रहा था तो डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, पर मैं बाबा पे भरोसा रखी, बाबा पे विश्वास रखी, बाबा पे जल चढ़ाना ना छोड़ी और मैं 9वें महीने में मुझे पुत्र हुआ है। इसी का आभार व्यक्त करने मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी बोले, अगर आप पशुपति व्रत करने मंदिर जाओ या साधारण पूजा के लिए भी मंदिर जाओ, अपनी थाली में कुछ लाने भूल गए हैं तो पड़ोसी की थाली में है, तो कभी भी कोई चीज़ पड़ोसी से या मंदिर में किसी से भी कुछ मांग के मत चढ़ाना। महादेव कहते हैं कि जब तुमने मांग के ही काम चला ली तो मेरे पास किस लिए आए हो। मांगना है तो मुझसे मांगो, हम बैठे हैं देने के लिए। तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। 2 लड़कियां पढ़ने वाली थी, हर एक सोमवार मंदिर जाती थी। एक बाल्टी में सारा प्रसाद जो पशुपति का व्रत का या और भी जो भी प्रसाद रहता था मंदिर में, सारा प्रसाद बाल्टी में लेकर जाती थी। और जो लोग शंकर भगवान को छोड़ दी थी, दूसरे धर्म में चली गई थी, वो सबको वो प्रसाद दे के आ जाती थी। अब वो सब फिर से शंकर भगवान को भजने लगी और अपने धर्म में वापस आ गई है।
तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। दिखावट से, सजावट से, बनावट से भगवान नहीं मिलते हैं मेरे महादेव, तो भोले बाबा भाव से मिलते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। एक पत्र आया छाया जी का। उन्होंने कहा, भोलेनाथ का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव, मेरे पति प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे, अचानक नौकरी छूट गई। मेरी बहन ने शिवपुराण की कथा सुनने को कहा और मैं छत्तीसगढ़ बालोद में कथा सुनी, बाबा को एक लोटा जल चढ़ाना शुरू किया, बाबा से विनती की और मैं बोली, मेरे पति को नौकरी दे दीजिए बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उसी का आभार व्यक्त करने मैं आई हूँ। मेरे नौकरी और मेरे पति की, दोनों की नौकरी लग गई है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। कभी आप शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ तो एकांत में बैठकर बाबा से जरूर दो बातें करके आना, बाबा क्या देंगे वही जानते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। एक पत्र आया अंजू जी का। उन्होंने कहा, मेरी बेटी का आवाज़ बचपन से नहीं था, वो बचपन से बोल नहीं पाती थी, मैं मेरी बेटी को शिवालय रोज़ लेके जाती हूँ, आज मेरी बेटी को 2 साल शब्द बोलने लगी है, सिप पे चढ़ा हुआ जल से आज मेरी बेटी का थोड़ा वाणी आई है, कल पूरी बोलने लगेगी, उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। तोमर जी का पत्र आया, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, मेरा पर्स 2 साल पहले गुम हो गया था, फिर मैं जब कथा में अभी आ रही थी तो मैं बाबा से विनती की मेरा पर्स मिल जाए, मेरे पर्स में बहुत सारे पेपर थे और मुझे फ़ोन आया कि आपका पर्स मिल गया है, उसी का आभार व्यक्त करने मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। एक पत्र आया खगेश जी का। उन्होंने कहा, गुरुदेव मैं आदिवासी क्षेत्र में रहता हूँ, वहाँ बहुत कुछ चलता है, मैं आपकी कथा शिवपुराण की कथा टीवी पे सुनी, मैं वटकेश्वर महादेव का उसमें वर्णन सुना तो वटकेश्वर महादेव के नाम से वट वृक्ष के नीचे पूजा किया, वहाँ शिवलिंग भी रख दिया मैं, और मैं बाबा से अपनी जॉब की प्रार्थना किया, मेरी जॉब लग गई, मुझे देख के मेरे गांव के लोग, एक को कैंसर था वो भी वहीं जल देने लगा, वो भी ठीक हो गया, एक को पैरालिसिस था का शिकायत था वो भी जल चढ़ाने लगा, वो भी ठीक हो गया। मेरे गांव के लोग आदिवासी हैं सब, ये नहीं मानते थे, आज सब कोई बोलते हैं इस वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष के नीचे जरूर कुछ ना कुछ है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी को। गुरु जी कहते हैं कि शिव भक्ति करने वाले का कभी दिल मत दुखाओ, जो शिव भक्ति करे उसका दिल कभी मत दुखाना। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की। 16 दिन श्राद्ध पक्ष में किसी भी एक दिन, जिस दिन आप फ्री हो उस दिन, लेकिन श्राद्ध पक्ष के बीच में किसी एक दिन यह उपाय करना है, वृषकति नाम लेकर के एक रोटी में थोड़ी सी गुड़, थोड़ा सा चावल, अगर खीर बना लो तो ज़्यादा अच्छी बात है, खीर बना पाओ तो थोड़ा सा चावल रोटी के अंदर रख लेना, वृषकति, भगवान शंकर का एक अवतार है वृषकति, तो वृषकति का नाम लेकर अपने दरवाजे के बाहर खड़े होकर गाय को खिला दे, जो भी व्यक्ति ये उपाय करता है उसके घर में कभी धन धान्य की कभी नहीं कमी नहीं होती, धन संपदा की कभी कमी नहीं होती, कोई भी व्यक्ति, घर के कोई भी सदस्य ये उपाय किसी भी एक दिन करते हैं, श्राद्ध पक्ष, 16 दिन श्राद्ध पक्ष तो अभी एक दिन बीत चुके हैं, जो भी बचे हुए हैं श्राद्ध पक्ष, 16 दिन श्राद्ध पक्ष के बीच में ये उपाय करना है आपको, जिस दिन आप लोग फ्री हो, जिस दिन समझ आए उस दिन आप ये उपाय कर सकते हैं, बन सके तो खीर बना ले, अगर ना बन सके, खीर ना बना पाए तो रोटी के ऊपर गुड़ रख दें, गुड़ रखने के बाद थोड़ी सी चावल रोटी पे ले लें और उसे अपने दरवाजे पे खड़ी हो करके गाय को खिला दें, तो उसके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। अगर वीडियो में कोई भी उपाय आपको समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के जरिए आप पूछ सकते हैं, तो मैं ये उपाय आपको फिर से समझाने का प्रयास करूँगी। मेरी वीडियो ये आपको कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताना। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव श्री शिवाय।